हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यह है मेरी सैटरडे की क्लिप और मैं कर रही थी प्रेस। देखिए, इतने सारे कपड़े हो गए थे, घर गए थे ना, तो इतने सारे कपड़े गए तो मैं एक रात को थी, पर एक जोड़ी पहन के जाओ, फिर एक जोड़ी वहाँ से कहीं गए थे, दूसरे वो पहनो, फिर शाम को आके चेंज करो, फिर दूसरे दिन नहा के पहनो, फिर आओ इधर को तब पहनो। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए, तो मैंने सोचा कि अलमारी भी भर रही थी, रखने को जगह नहीं हो रही थी, तो इतने तो मैंने प्रेस कर कर रख लिए। ये कुछ डेली के सूट पड़े थे, इसकी सलवार को जब पहनो ना तो मतलब ऊपर ही चढ़ती रहती है, अब बहुत ज़्यादा कॉटन की है, तो मैंने सोचा इन पे भी कर लूँ। इतने सारे कर कर रख दिए और सच में आज कमर में दर्द होने लगा। प्रेस इतना धोने में नहीं होता है इतना प्रेस करने में, क्योंकि प्रेस करने में एक जगह ही बैठे रहते हैं, तो इसलिए हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए, प्रेस की मैंने और सोचा साथ के साथ इनमें कपड़े में रखती जाऊं, क्योंकि बाहर पड़े रहेंगे तो अलमारी फिर से भरती रहेगी। तो इधर मैं कपड़ों को रखती जा रही हूँ। हस्बैंड के हैं कुछ, मेरे हैं इसमें, तो हस्बैंड के ही रखूँगी, और मेरे पास अलमारी नहीं है। डेली यूज वाले के जो कपड़े रखती हूँ वही है, वैसी अलमारी नहीं है, तो बस अपने बक्सों में ही कपड़े रखती हूँ। देखिए, बहुत जल्दी ले लूँगी, अभी ले नहीं रही हूँ। और इधर मैंने अपने इसमें VIP बैग में अपने सूट वगैरह रखती हूँ, तो इनमें अपने सूट वगैरह रख दिए हैं। कुछ अभी सिलवा के लेके आई थी, कुछ पहन के गई थी, वो थे, तो बस मैंने सूट वगैरह रख दिए हैं और इसको कर देती हूँ सेट। और अभी दूसरे बक्से में रह गए हैं बेटे के रह रखने के लिए, उन्हें सभी रखूँगी। तो देखिए, इधर मेरी ये साड़ी पड़ी थी, एक मैं साड़ी लेके भी गई थी, तो बस साड़ी वगैरह को इस बक्से में रख दूंगी। इसमें लहंगा वगैरह रखा था, वो मैंने निकाल के रख दिया, अभी साड़ी वगैरह थी तो वो मैंने साड़ी वगैरह रख के और सारा कुछ सेट कर दिया। देखिए, ये दवा वगैरह पड़ी है मेरी, खा रही हूँ मैं, तो वो सब मैंने उठा कर रख दिया, दवा वगैरह पूरा सेट कर दिया। और उसके बाद ये है मॉर्निंग का टाइम और संडे की क्लिप है, तो ये अभी एनिवर्सरी बैलून वगैरह लगाई ना, एक बैलून दिख भी रहा है और टेप लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको साफ कर देती हूँ। तो वो परछी सी जो होती है वो ली है मैंने, और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक मैं इसको साफ कर रही हूँ, छुड़ा रही हूँ टेप को, बहुत गंदा लगता है देखने में, तो मैंने इसलिए इसको छुड़ाया। और सच में ऊपर हाथ करते करते मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा। और आज पहले ही बता देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा है तो आप एडजस्ट कर लेना, देख लेना, और इतना मतलब ये नहीं कि बीच में काट काट के देखना। तो देखिए, सारों को मैं छुड़ा दूंगी अच्छे से। मैं कई दिन से सोच रही थी, कुछ बैलून ही चुपके रह गए थे, बैलून फूट फूट के नीचे आ गए थे, और कुछ धागा वगैरह था वो रह गया, चुपका था, तो मैंने चारों तरफ से कर करके और मैंने छुड़ा दिया है। अब इधर को रख लिया मैंने चेयर, सोचा तो था कि सोफ़ा वगैरह ठीक कर दूं, आई थी इधर, फिर मेरी निगाह गई, तो मैंने सोचा चलिए पहले इनको ठीक कर देती हूँ। और मैं क्या है ना कि बस ब्लॉग बनाती हूँ अपना और डालती हूँ, मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है पता नहीं, तो इसलिए बहुत कम बन पाता है। तो देखिए, सभी को मैंने छुड़ा दिया है अच्छे से। और इधर मेरा जो फोटो सामने टंगा था उसको लाके लगा दिया है, घड़ी के नीचे टंगा था तो उधर से इधर लग रखा था, तो इधर ही लगा दिया है। वो अभी कर लेते हैं सोफ़ा वगैरह को सेट, मॉर्निंग का टाइम है और लेट उठी थी तो लेट ही काम हो गया मेरा। बस यह है कि ना, देखने में गंदा लग रहा था तो इसलिए मुझे करना पड़ा था साफ, और अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि दीवार वगैरह पे पीली सी पुताई हो रखी है, और थोड़ा सा भी कुछ भी लग जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो देखिए, मैंने सारा कुछ करके सेट, अंदर से भी बिस्तर वगैरह सेट कर दिया, और दोबारा की झाड़ू लगा लेती हूँ, एक बार मेरी सिवाई लग जाती है, एक बार अब लग रही है, क्योंकि टिप वगैरह छुटाया था, तो वो सारे हटा के और मैंने अभी लगा लेती हूँ सॉरी झाड़ू। देखिए, डाइनिंग टेबल पर रखती गई थी छुड़ा छुड़ा के, और इसको तो बस झाड़ू वगैरह लगा के और इधर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में सोचा पहले कुछ बना दूँ और उसके बाद में बना क्या रही हूँ, सैंडविच बनाऊँगी, तो उसके लिए दाल बनाई थी मैंने मसूर की, और दाल में एक आलू डाल दिया था
आलू बॉईल हो गया था, इसको थोड़ा सा फ्राई कर कर रख देती हूँ। और मैं जल भी गई, हरी मिर्च डाली, तो नहा के बनाऊंगी तभी खाएंगे माँ और बेटे, हम दोनों तभी खाएंगे। तो मैं इसको बना कर रख लेती हूँ, जब भी खाएंगे तभी बनाऊंगी। तो बस इसको फ्राई कर लिया अच्छे से और धनिया डाल देती हूँ। और अभी बन गई है मेरी दाल भी, बॉईल हो गई है। और मैंने कुकर में सीटी नहीं लगाई थी दाल में, क्योंकि उसमें एक सीटी भी लगाओ तो घुट जाती है मसूर की दाल, जो लाल वाल लाल वाली होती है। तो इसलिए मैंने भगोने में उबाल ली थी और उसके बाद तड़का लगा ली हरी मिर्च और प्याज का, बस सॉरी टमाटर का, प्याज नहीं डाली है दाल में। तो देखिए इधर मैंने तड़का भी लगा लिया है दाल में, और इसमें एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद में मैं निकाल दूंगी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया, दाल में बॉयल आ गया अच्छे से, इसको निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद में इधर 2 दिन से बर्तन का स्टैंड वगैरह सॉरी साफ नहीं किया था, तो उस पर धूल मिट्टी जम रही थी। और ये फैन चलाओ ना तो फैन से गंदगी छोट छोट के नीचे गिरती है, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी साफ कर देती हूँ। जब तक दाल वगैरह बनाइए, चूल्हा वगैरह ठंडा होगा, तो इसको कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं लगूँगी कुछ काम करने। और कोई भी चीज़ होती है देखने में जब गंदी लगती है ना, तो फिर करना ही होता है। और ये देखिए मैंने इस पर चिकना सा लग रहा था तो चूना मारा, और चूना मार के गीला कपड़ा 2-3 बार मार के साफ़ कर दूँगी। और तो बस हो गया है। और मैंने बोला कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वैसे मैं 11 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट, 11.5 मिनट का हो गया है। और इतना मतलब मैंने कट किया है, और इतना थोड़ा सा एडिट भी फास्ट कर दिए, तब जाके 11.5 मिनट का हुआ है। तो कोई नहीं, चलिए इतना तो होता है। और ये देखिए जो मतलब बर्तन वगैरह यूज नहीं होते ना, उन पे भी जम जाता है चिकनाई सी, क्योंकि चिकनी नहीं लग रखी तो उसकी वजह से हो जाता है। और इधर हो गया है मेरा, ऊपर कर दिया है मैंने। और फिर कर देती हूँ बर्तन वगैरह साफ, बर्तन पड़े हैं सिंक भरे हुआ, तो दाल भी बनाई और दूध वगैरह चाय वगैरह तो सारे ही पड़े हैं, तो सारे ही एक साथ कर दूंगी। वैसे कोई आकर जाता है जब ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर करती जाती हूँ और बर्तन साफ कर 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 रखती जाती हूँ, क्योंकि सिंक भी भर जाती है, टोकरी भी भर जाती है। तो इधर देखिए किचन वगैरह साफ करके मैं आ गई हूँ और पोछा लगाने के लिए। तो एक बार मतलब सोफा वगैरह के नीचे लगा दिया है, इधर से लगाती हुई ले के जाऊँगी, जब दोबारा जाके पूरा क्लियर होगा तब लगाऊंगी। और अभी हवा इतनी चल रही है कि ना, हवा से धूल मिट्टी थोड़ी बहुत, अगर गेट खुला रह जाए या खिड़की खुली रह जाए तो उससे आता ही आता है। और कि अब गर्मी में तुम कितना भी डेली कपड़ा मारना, डेली फिर भी होता ही होता है। और सर्दी में इतना नहीं होता जितना गर्मी में होता है। तो ये दोनों जो रैक लग रही हैं, इनको अभी गई थी उससे 2 दिन पहले ही सरका सरका के पोंछा लगाया था, और देखिए फिर आने के बाद में पूरा सरका सरका के लगा रही। इनके नीचे रुआ रुआ से पता नहीं कहाँ से घुस रखे हैं, तो बस इसको लगा दूंगी। और वो वाली भी हटा के लगा दिया था, और ये वाली दोनों को ही कर दिया मैंने। और सच में एक मतलब जिस दिन गई थी सुबह सुबह, उस दिन तो पूरा करके गई थी, साफ सफाई झाड़ू पोंछा सब कुछ। और एक दिन में ही इतना घर हो गया था कि दूसरे दिन आ गए थे रात को, तो दूसरे दिन तो नहीं हो पाया था। तो एक ही दिन बंद रहा था उसमें ही हालत ख़राब हो गई, बालकनी की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब। एक दिन कहीं चले जाओ घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इतनी मतलब अंदर की नहीं हुई थी जितनी बालकनी की, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है सच में। बहुत पिछली बार भी गई थी तो बालकनी में इतना गंदगी हो गया था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और जाती भी हूँ मैं कहीं तो एक रात के लिए मुश्किल से जाती हूँ, क्योंकि बेटे की भी पढ़ाई वगैरह रहती है तो कहीं जाना आना नहीं रहता। हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं थी क्योंकि उनका आना जाना अप डाउन लगा हुआ है, आते हैं और जाते हैं। तो 2-1 दिन की दो मतलब अभी तो आए भी नहीं थे, छुट्टी लेके आए थे। तो
उनको जाना भी था, तो इसीलिए होली के बाद में एक दिन के लिए गई थी और कुछ प्रोग्राम था इसलिए। देखिए इधर मैंने पोंछा लगाते लगाते आ गई थी और बाथरूम वगैरह भी धो दिए सारी, बस लास्ट रह गया है यही वाला। और 2 दिन से वो हस्बैंड धो रहे थे बाथरूम, तो वो जाली वगैरह निकाल कर नहीं धोते थे, ऊपर ही ऊपर धो देते थे, तो मैंने बस जाली वगैरह निकाल के सब कुछ साफ किया, अच्छे से हो गया। और ये देखिए अभी एक दिन जब गई थी तब इसको ड्रेसिंग टेबल को भी हटाया था इसके पीछे, अब सोच रही हूँ इसको भी हटा के किसी दिन और लगाऊंगी, क्योंकि इसमें भारी ज़्यादा, मेरे को डर लगता है कि कहीं सरक ना जाए, गिर ना जाए, तो इसलिए बहुत कम उठाती हूँ, सरका के करती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड कर लेते हैं, सारा हो गया है, बस एक रूम बचा है तो उसमें जाते जाते लग लूँगी, कर लूँगी। और सारी मेहंदी भी मेरी छूट गई देखिए इस तरह से, तो काम में लगो, झाड़ू मतलब पोंछा वगैरह और कपड़े वगैरह धो तो कितनी भी लगाओ छुट्टी जाती है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए इस वाले में लगाते लगाते आ गई, पूरा घर एकदम क्लियर हो गया है, और कहीं एक दिन को भी चले जाए तो हालत ख़राब हो जाती है घर की, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, बाय बाय।